इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दिल्ली में एक सफाई अभियान पर विवाद खड़ा हो गया। इस सफाई अभियान से जुड़े थे बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष सतीश उपाध्याय और शाजिया इल्मी। अभियान चलाया गया था इस्लामिक सेंटर के पास। बताया जाता है कि सफाई अभियान चलाने से पहले बाकायदा वहां कूड़ा फैलाया गया, फिर झाड़ू लगाया गया। ये उसी अभियान से जुड़ी चार तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह कूड़ा पहले फैलाया जा रहा है। हालांकि सतीश उपाध्याय ने इससे साफ इनकार किया। एक बार फिर से ये चार तस्वीरें जरा आराम से देखिए। पहले तो कचरा जमा एक बिन में आप देख रहे हैं, फिर उसे बाकायदा फैलाया जाता है। एक शख्स वहां पर खड़ा होकर उसे फैला रहा है, फिर नेताजी आते हैं एक्शन में और फिर दिखावे का अभियान होता है। तो फिर सवाल यही है कि यही वो संजीदगी है जिसके साथ हिंदुस्तान को स्वच्छ बनाएंगे। आपको बता दें ये तस्वीरें जिसकी वजह से अब देश में हड़कंप मच गया है कि स्वच्छ भारत अभियान में आखिर कितने संजीदा हैं ये नेता, वो तस्वीरें मेल टुडे, जी हां मेल टुडे हमारे सहयोगी ऑर्गेनाइजेशन की ही तरफ से, अखबार की ही तरफ से ली गई हैं। आइए पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हुआ क्या और किया क्या सतीश उपाध्याय ने। हाथों में नई झाड़ू थामे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बोल सुनिए। यूं तो हाथ में झाड़ू थामे सतीश उपाध्याय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने की मुहिम में लगे हुए हैं, लेकिन आपको इस सफाई अभियान की सच्चाई की जरा दूसरी नजर दिखाते हैं। पहली तस्वीर इंडिया इस्लामिक सेंटर की है। कल यहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय सफाई के लिए आए थे। गौर से देखिए इन दोनों तस्वीरों को। सतीश उपाध्याय यहां पहुंचते इससे पहले एमसीडी के कर्मचारियों ने ही कूड़ा फैलाया। दूसरी तस्वीर में इसी कूड़े को साफ करते दिख रहे हैं सतीश उपाध्याय और शाजिया इल्मी। ये किसी कमाल से कम नहीं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से गुहार लगा रहे हैं कि देश को साफ करो, यहाँ तक कि वो खुद भी झाड़ू उठाकर इस काम में जुट गए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में फोटो खिंचवाने की होड़ लगी है, लेकिन इनके दावों को तो जरा सुनिए। ये अभियान केवल एक दिन का अभियान नहीं है, ये अभियान केवल कोई फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं है, इस अभियान को लगातार आने वाले 5 साल तक हमको चलाना है। मामला खुला तो बीजेपी को जवाब देते नहीं बन रहा है। पार्टी के कई नेता बचाव की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। हम आपको 3 बीजेपी नेताओं की बातें सुनवाते हैं। निश्चित रूप से अगर किसी ने ऐसा किया है तो मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं और बिल्कुल गलत है। और मैंने कल कहा हूं आपने उसमें कि हम ये स्वच्छता के कार्यक्रम किसी भी केवल दिखावटी और फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं होने चाहिए, इसको हमको वास्तविक रूप से। हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि कल जब मैं गया तस्वीरें सामने आई हैं, गलत है, मैंने कहा फोटोग्राफी के कमाल तो बहुत हो जाते हैं। अब उसमें थोड़ा सा एक्साइटमेंट में लगता है आयोजक, क्योंकि उनके पास कूड़ा तो था नहीं, वो कोई गंदी जगह तो थी नहीं, तो वो जो पेड़ की पत्तियां थी वो एकत्र करके एक जगह डाल के एक टोकन जेस्चर फोटोग्राफ कराने का उनका मतलब रहा लगता है। नहीं, ये कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। कोई ताज्जुब नहीं कि इस मामले के सामने आने के बाद विपक्ष ने बीजेपी पर हमला तेज कर दिया है और इस हमले के बाद बीजेपी के सुर बदलते दिख रहे हैं। पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी तो बड़ा सवाल यही था कि अभियान सांकेतिक बनकर न रह जाए, लेकिन अब झाड़ू की फांस बीजेपी के गले में ऐसी फंसी है कि न निगलते बन रहा है और न ही उगलते, क्योंकि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष गए तो सफाई करने थे, लेकिन हो कुछ ऐसा गया कि अब सफाई देते नहीं बन रहा है। जाहिर है प्रधानमंत्री ने नेक कोशिशों के तहत सफाई अभियान छेड़ा था, लेकिन नई तस्वीरों ने उनके नेताओं की कोशिशों पर झाड़ू चला दी है। आज तक ब्यूरो। और कहीं ऐसा ना हो कि नेतागिरी से सफाई हो जाए, क्योंकि दिल्ली में एक मुख्य चेहरे के रूप में सतीश उपाध्याय का चेहरा है और अगर स्वच्छ भारत को लेकर ये उनकी गंभीरता है। इन चार तस्वीरों को देखिए। हमारे सहयोगी अखबार मेल टुडे ने ही ये तस्वीरें ली हैं, कैमरामैन ने हमारे, और ये चार तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि सतीश उपाध्याय का सच क्या है।